everyone, welcome back to lecture series where we are discussing software testing. This is for TYBSCIT semester 5. This is your course code. This is specially for Mumbai University semester 5. Analysis of all the papers from October 2012 till April 2017. My name is Professor Tirup Parmar. So let's start. So, हम लोगों ने जहाँ पे stop किया था, that is unit 2 का ये particular question last lecture हम लोगों ने discuss किया था, okay? And आज मैं उसके आगे ही start करूँगा, as well as यही same lecture में I'll be completing with unit 3 as well. So there are few questions which are left out for unit 2. तो unit 2 के questions complete करके unit 3 के भी जो भी important questions है with with respect to exam perspective, वो सारे हम लोग आज ही discuss कर लेंगे, okay? So ये अगर आप देखोगे जो question आता है exam में, that what are the four types of software testing and explain anyone, okay? और हर एक के बारे में आपको कभी-कभी पूछते हैं, explain each one. Now यहाँ पे आप अगर देखोगे मैंने चार type already provide किए हुए हैं. और ये चारों टाइप के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी ऐड किए हैं यहाँ पे. नाउ द रीज़न इज़ कि आपको ये सारे पॉइंट्स 5 मार्क्स के लिए ऐड नहीं करना है, लेकिन इट माइट पॉसिबल कि एग्ज़ाम में एक बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम आपको खाली इसमें से कोई एक स्पेसिफिक टाइप भी पूछ सकते हो. सो दैट्स वाई मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है आप 5 मार्क्स के लिए इंडिविजुअली भी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आंसर कर सको वो वे में दिए हुए. तो एज यू कैन सी द फर्स्ट टाइप इज फंक्शनल टेस्टिंग प्रोसेस. और अगर आपको लास्ट मोमेंट, आई मीन एज वी नो कि अभी हम लोग का एग्जाम बहुत पास में है, तो अगर आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, सो एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम के अंदर जो भी स्टेप्स है और उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उतने तो एटलीस्ट प्रॉपरली याद रखना, और उसी के बेस के ऊपर आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो. सो दैट्स द बेस्ट वे. सो अगर आप स्टेप वन में देखोगे तो जब भी फंक्शनल टेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें सारे फंक्शंस प्रॉपरली चलने चाहिए, राइट? सो वो हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ तो ऐड कर दिया अपने सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं. सो स्टेप वन में अगर हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड द प्रोसेस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड. सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द बिजनेस रूल्स, है ना. देन सेम वे टेस्ट स्क्रीन्स. आई होप आप ये डायग्राम देख सकते हो. हम लोग डायरेक्टली पॉइंट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हुए. सो हम लोगों को फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर करना क्या रहता है, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे अगेंस्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट. मैंने वो सॉफ्टवेयर अपने कंपनी में कहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है, क्या पर्पस के लिए बनाया था, और वो सारे पर्पस या वो रिक्वायरमेंट्स आपका सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वो सारे फंक्शनलिटीज आपके सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट है कि नहीं, ये फंक्शनल टेस्टिंग वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं. उसके साथ अगर आप देखोगे, फंक्शनल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस यूज्ड विद इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. In which software is tested to ensure that it confirms, ठीक है, it confirms all requirement, है ना, सारे requirement जो भी अगर client ने दिए हुए वो सारे requirement fulfill होने चाहिए. Then next अगर आप देखोगे, functional testing is a way of checking software to ensure that it has all required functionality that specified within the functional requirement. तो requirement मतलब starting में software बनाने के पहले हम लोगों ने जो जो requirements बताए थे developer team को, वो सारे उन्होंने फुलफिल किए है कि नहीं, ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं. बिकॉज अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो बनाया है या हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. नेक्स्ट इज फंक्शनल टेस्टिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एंड कंपेयरिंग ईच सॉफ्टवेयर फंक्शन विद बिजनेस रिक्वायरमेंट, राइट? सो अगर आप देखोगे, सब सिंपल से पॉइंट्स है जो आप अगर एक बार पढ़ते हो तो भी आप इजीली याद रख सकते हो, राइट? कि हम लोग फंक्शंस मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, हम लोग के बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है. एंड सेम वे आप अगर देखोगे, सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय प्रोवाइडिंग इट विद सम रिलेटेड इनपुट सो दैट आउटपुट कैन बी इवेल्युएटेड. सो इट इज कन्फर्म्स, ओके, कन्फर्म्स रिलेटेड और वेरीज कंपेयर्ड इट्स बेस रिक्वायरमेंट. सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम लोग जब भी फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई स्टेप्स जो है ना वो वहाँ पे रहते हैं. सो स्टेप्स क्या रहते हैं, वाई वी परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग, क्या जरूरत है ये टेस्ट करने का. सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो जो फंक्शंस ऐड किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे. जैसे अगर मैंने व्हाट्सएप अगर सपोज हम लोग टेस्ट करें और व्हाट्सएप के अंदर अगर वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी दिया है तो वो
काम क्या है उसका, वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करना, राइट. कोई अगर कॉल करेगा तो सामने वाले का फेस हम लोगों को प्रॉपर दिखना चाहिए, एज वेल एज अगर हम लोगों का फेस अगर उसको दिख रहा है वो प्रॉपर दिखना चाहिए. सो दैट मीन्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम लोगों ने फंक्शंस ऐड किए हैं और जो हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे वो फंक्शंस ऐड करने के टाइम पर वो एक्सपेक्टेशन मैच हो रहे हैं कि नहीं. एट द सेम टाइम हम लोग इनपुट्स जो है, क्रिएशन ऑफ इनपुट डेटा बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, राइट. सो हम लोग ऐसे कुछ डेटा इनपुट करेंगे उसमें जैसे डेटा कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कस्टमर्स जो वे में सॉफ्टवेयर यूज करने वाले, या कस्टमर जो वे में इनपुट देके आउटपुट चेक करेंगे. सो वैसा ही कोई इनपुट हम लोग भी देंगे. एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन आउटपुट चेक करेंगे. एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, है ना, डिफरेंट टेस्ट केस बनाएंगे हम लोग. टेस्ट केस बनाने का मेन बेनिफिट क्या रहता है, सो दैट हम लोग सारे फंक्शंस 100%, आई मीन नॉट 100%, हम लोग एग्जैक्ट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक प्रॉपरली सारे फंक्शंस टेस्ट कर सके और चेक कर सके कि वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ना. ये सब हम लोग चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट केस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट ऐड करके आपका सॉफ्टवेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो चेक करते हैं. जैसे आपने आपने अपना जो प्रैक्टिकल्स थे उसके अंदर आपने केस स्टडीज पढ़े रहेंगे, जिसमें से थोड़े बहुत केस स्टडीज थे जिसमें हम लोग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट. और वैसे बहुत सारे पॉइंट्स, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे केस टेस्ट केस बनाएंगे ना, वो टाइम पे वो पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड करते हैं. और उसके साथ हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल हम लोगों का जो आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है वो क्या है, और हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या है, तो एक्सपेक्टेशन में कितना डिफरेंस है. अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स हम लोगों ने जहाँ पे भी फंक्शंस ऐड किए वो प्रॉपरली ऐड नहीं हुए, कहीं पे तो कोडिंग में हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट अगर पॉइंट देखोगे आप, वहाँ पे क्या दिया है, फंक्शनल टेस्टिंग कंटेन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. ऑफकोर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा टेस्ट केसेस ही हम लोग बना रहे हैं. एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डेटा मैप करेंगे, वैलिडेशन होगा एंड री इंजीनियरिंग. री इंजीनियरिंग मीन्स जो भी कहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, री इंजीनियर, मतलब वापस काम करेंगे उसके ऊपर. वैलिडेशंस ऑब्वियसली हम लोग प्रॉपर डेटा वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं, करेक्ट डेटा जाना चाहिए, राइट, वो सब देखेंगे. और उसके साथ डेटा एग्जैक्ट हम लोग जहाँ पे डेटाबेस मेंशन किया है वो सेम लोकेशन पे जाना चाहिए, वहाँ से फेच होना चाहिए, वहाँ पे ही अपडेट होना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन कि हम लोगों ने डेटा सेंड किया लेकिन वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा है, फेच नहीं हो रहा है, राइट, वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए. और उसके साथ लास्ट में अगर आप देखोगे कि जब ये सब काम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सारे समरी बनाएंगे या टेस्ट लॉग्स बनाएंगे. लॉग्स का मतलब क्या रहता है, डायरी, है ना. नॉर्मली जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पूरा दिन क्या किया या ऐसा कुछ हम लोग टर्म्स वहाँ पे मेंशन करते हैं, सेम वे यहाँ पे भी लॉग्स बनाते हैं. लॉग्स या जहाँ पे टेस्ट समरी में आएगा कि टोटल कितने टाइप के टेस्ट किए, कितने फंक्शंस हम लोगों ने चेक किए, कौन से टेस्ट केसेस यूज किए, और लॉग्स में हम लोग मेंटेन करते हैं कि कभी हम लोगों ने ये किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, उसको कैसे रेक्टिफाई किया, ये सब कुछ. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट जो है नॉन फंक्शनल, ऊपर हम लोगों ने कौन सा देखा, फंक्शनल, है ना. नॉन फंक्शनल जो है इसके लिए देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया है, वो सेम आपको यहाँ पे भी ऐड करना है. सो यही मैंने मेंशन किया, तो वापस मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. थर्ड टाइप के केस पे जाते हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करना होता है. स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, हम लोग क्या कोड कर रहे हैं उसका क्या पैटर्न है, एल्गोरिदम क्या यूज किया हम लोगों ने, वो स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का. जैसे अगर मैंने अपने कोडिंग में इफ देन एल्स यूज किया है, व्हाइल लूप यूज किया है, राइट, या अंटिल लूप, रिपीट अंटिल लूप यूज किया या स्विच स्टेटमेंट्स यूज किए. सो ये जो है हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया. अभी ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये हम लोगों का मेन कंडीशन रहेगा, अगर वो ट्रू होगा तो वो ये वाला डेटा एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स रहेगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. सो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं डेटा दूंगा जिसके थ्रू ये कंडीशन मैं ट्रू करूंगा, नेक्स्ट टाइम वो कंडीशन को मैं फॉल्स करूंगा. सो सेम वे हम लोग यहाँ पे पूरा हर एक जो भी कोड का पार्ट है हम लोगों का इफ देन एल्स में, वो सारा टेस्ट करके चेक करेंगे वो हर एक पार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, करेक्ट कंडीशन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और निगेटिव या इनकरेक्ट कंडीशन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है. सेम वे व्हाइल में भी हम लोग चेक करेंगे. एज यू कैन सी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता ये क्या होगा, लूप में घूमते रहेगा यहाँ पे, राइट, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप के बाहर आके उसके बाद वाला जो कोड स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना चालू करता है. तो यहाँ पे व्हाइल लूप में भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर मैंने डेटा अगर करेक्ट डाला है तो वो लूप में कितने टाइम कंटिन्यूस घूम रहा है कि नहीं, और उसके बाद अगर डेटा रॉन्ग डाला तो एग्जैक्ट उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं. आई होप आपको समझ में आ रहा है. सेम वे स्विच में और रिपीट अंटिल में भी सेम पैटर्न होगा. इसको हम लोग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोलते हैं.
और यहाँ पे हम लोग सेम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स. सो अगर आप सबसे पहले पॉइंट्स देखोगे जो कुछ यहाँ पे ऐड हुए हैं, सो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग नथिंग बट टेस्टिंग द स्ट्रक्चर, राइट. ऊपर हम लोगों ने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया, आपको वैसा ही डायग्राम एग्जाम में भी बनाना है, याद रखिए. अभी इसके आगे हम लोग प्रोग्राम या कोड कैसे इम्प्लीमेंट किया है, राइट. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज टू चेक, नॉट टू चेक डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट कंडीशन, बट टू चेक डिफरेंट डेटा एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज इन द प्रोग्राम. सो हम लोग एक्चुअल लॉजिक हम लोगों ने कैसे डेवलप किया है और वो स्ट्रक्चर जो है कोड का वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट. ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं. इनपुट देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, इसके लिए हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, उसके लिए तो हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग यूज करते हैं. और जब भी हम लोग मेन एल्गोरिदम या स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया या मेन कोड जो हम लोगों ने ऐड किया है उसको हम लोग प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ये तीनों का मतलब एक होता है, या ओपन बॉक्स टेस्टिंग, राइट, या लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग या पाथ ड्रिवन टेस्टिंग. ये सारे वर्ड्स जो है आपको इसमें से दो तीन एटलीस्ट अगर आप याद रख सकती हो तो बस हो गया. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग लॉजिक या एल्गोरिदम जो डेवलप किया है ना उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. इनपुट देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है उससे हम लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज नॉर्मल आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हो या एडिशन का प्रोग्राम लिखते हो वो भी इनपुट लेके आउटपुट तो देता है, लेकिन लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए वहाँ पे. अगर आपने कुछ नेगेटिव इनपुट दिया तो वो एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कैपेसिटी होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ पे आप देखोगे वाई टू डू स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, तो हम लोग वहाँ पे अगर कुछ कोड ब्लॉक मिसिंग है, कोई कंडीशंस जो है वो कैच नहीं हो रहा है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं. और वही है कैटेगरीज समझते हैं, कैटेगरीज कौन से रहते हैं, स्टेटमेंट कवरेज आता है, ब्रांच कवरेज आता है, पाथ कवरेज आता है एंड कंडीशन कवरेज आता है. नाउ ये जो भी यहाँ पे अगर पॉइंट्स आप देखोगे ना, ये सारे पॉइंट्स मैंने वापस जो आपका जो यूनिट 4 है ना उसके अंदर भी ये सेम पॉइंट्स आते हैं, तो वहाँ पे मैं वापस इन डिटेल डिस्कस करूँगा. यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, लेट मी जस्ट ओपन दैट डॉक्यूमेंट. नाउ इफ यू सी ये भी वो ही सेम टाइप का डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ फॉर यूनिट 4 to 6 वाला डॉक्यूमेंट है ये. एंड मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं वेयर स्टूडेंट्स आस्किंग कि नोट्स कहाँ पे. गाइज जस्ट चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिफोर यू सेंड मी एन ईमेल और कमेंट समथिंग, बिकॉज मैंने सारे जो नोट्स जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके जो भी सब्जेक्ट्स है बी एस सी आई टी स्पेसिफिक उसके लिए जो भी नोट्स रिक्वायर्ड है जो भी मेरे पास थे जिसमें से मैंने बनाया वो भी मैंने वहाँ पे ऐड किए, बाकी जो थोड़े बहुत मेरे पास थे वो भी मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए है. सो आप प्लीज़ एक बार जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से ये सेम नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो एंड बाकी जो सब्जेक्ट के हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोग जब भी कवरेज की बात करते हैं कितने टाइप के कवरेज होते हैं, ये सेम अगर आप देखोगे ना बाजू वाले डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने देखा था, राइट. तो उसमें सबसे पहले कौन सा था, फर्स्ट जो था वो था स्टेटमेंट कवरेज. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटमेंट कवरेज में हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक इफ कंडीशन है जहाँ पे दिस आर द स्टेटमेंट्स और ये जो स्टेटमेंट्स है ये बेस्ड ऑन हम लोगों का कोई तो एक कंडीशन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, राइट. सो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ट्रू दिया है, येस मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. एल्स वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा, वहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, या फिर अगर कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला ये जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही सेम पैटर्न जो है उसको डिस्कस करते हैं, उसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ गया ये डायग्राम बेस्ड, दिस आर द स्टेटमेंट्स और हम लोग ऐसे टेस्ट केसेस यूज करेंगे जिसके थ्रू ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारे कवर होने चाहिए और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग आर सॉफ्टवेयर यूजिंग स्टेटमेंट कवरेज. नेक्स्ट जो पार्ट रहता है जिसके अंदर हम लोग ब्रांच कवरेज यूज करते हैं, सो वी हैव टू ब्रांचेस. जैसे आप यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट अगर यूज किया उसके अंदर दो ब्रांचेस है जहाँ पे हम लोगों का सेंटर कंडीशन आता है. अगर ये ट्रू रहेगा तो कोई तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स रहेगा तो दूसरे पर्टिकुलर पार्ट पे जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन जो भी है वो ट्रू ऐड करेंगे, ऐसा कुछ इनपुट देंगे जिससे ये कंडीशन ट्रू होगा और हम लोग बाद में चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर ब्रांच प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. उसके बाद हम लोग ये सेम कंडीशन को फॉल्स करके चेक करेंगे कि अभी ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. गॉट द पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंडीशन कवरेज. सो कंडीशन कवरेज में एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार कंडीशन ये दोनों कंडीशन को ट्रू रखेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे टेबल दिया ना, स्टार्टिंग में दोनों कंडीशन ट्रू रखा हम लोगों ने, तो हम लोगों का सॉफ्टवेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है,
देन एक को मैं ट्रू रखूंगा एक को फॉल्स रखूंगा तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, देन फर्स्ट वाले को मैं फॉल्स सेकंड कंडीशन को मैं ट्रू करूंगा एंड देन अगर मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूं तो कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो दिस आर व्हाट वी मीन बाय कंडीशन और लॉजिक कवरेज। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे उसके बाद जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ कवरेज। सो ऊपर जो हम लोगों ने देखा ना कि फर्स्ट हम लोगों ने एक को ट्रू रखा, नेक्स्ट को फॉल्स रखा, एक को फॉल्स एक को ट्रू। आई होप समझ में आ रहा है, आप डायग्राम एक बार सिंपली चेक करोगे ना आपको इजीली पता चल जाएगा। ये बहुत बहुत सिंपल सी पैटर्न है और ये यूनिट 4 में भी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी वो सेम वर्क हो रहा है, राइट। हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी ये सेम पैटर्न है। सो आई होप वो डायग्राम्स देखने के बाद उसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। सेम वे नेक्स्ट वाला पार्ट अगर पॉइंट देखोगे आप उसके अंदर क्या बोला है, हाउ टू परफॉर्म स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग। सो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग दो फैक्टर्स में लेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे है ना, कंट्रोल ग्राफ स्टडी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है परफॉर्मिंग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। मेनली टू अप्रोच रहते हैं, एक कंट्रोल ओरिएंटेड रहता है एक डेटा ओरिएंटेड रहता है। कंट्रोल ओरिएंटेड मीन्स इट टेल्स हाउ मच कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ कोड हैज बीन एक्सप्लोर्ड है ना, कितना पार्ट कितने कोड कितने ब्रांचेस कितने लॉजिक हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर किए। और डेटा ओरिएंटेड में हम लोग ये चेक करते हैं कि जब भी हम लोग इट टेल्स हाउ मच रिलेशन बिटवीन डेटा एलिमेंट्स हैज बीन एक्सप्लोर्ड है ना, कितने डिफरेंट टाइप के डेटा आप एक ऐड करके कैसा वो रिएक्ट कर रहा है, ये भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। हम लोगों ने स्टार्टिंग से तीन टाइप अभी तक चेक किए, एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। दिस इज द फोर्थ वन कौन सा है, कंफर्मेशन और रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, ऊपर आपको ये डेफिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप बहुत सिंपल वे में देखोगे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जाम में भी ऐसा डायग्राम बना दो आपका आधा काम वहां पे हो गया, बिकॉज ये डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है ना कि कंफर्मेशन और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। कंफर्मेशन हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पे ही हम लोगों को कोई तो एक उसमें बग मिला एरर मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बग है दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जब भी हम लोगों ने कोड में चेंजेस किए सो उसके बाद हम लोग कन्फर्म करते हैं ना कि वो कोड में जो भी चेंजेस किए उसके हिसाब से हम लोगों का एरर सॉल्व हुआ या नहीं, तो उसको कन्फर्म करने को कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर कोड वाले पार्ट में चेंजेस किए हैं और वो चेंज कन्फर्म चेंजेस अप्लाई हुआ है या नहीं, प्रॉपरली डिफेक्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं, डिफेक्ट फिक्स हुआ है कि नहीं, उसको कन्फर्मेशन और रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, राइट। सॉरी कन्फर्मेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता, अभी बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर था जिसमें से एक छोटे से पार्ट में सॉफ्टवेयर के कोई तो एक छोटे से पार्ट में कुछ तो एक डिफेक्ट या बग था, तो मैंने उसको सॉल्व किया कोड में चेंजेस करके। तो अभी हम लोग कन्फर्म करेंगे वो सेम एक ही पार्ट जहां पे हम लोगों ने चेंजेस किए वो एक ही पार्ट हम लोग रीटेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे वापस और चेक करेंगे कि कन्फर्म डिफेक्ट जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। लेकिन उसके बाद इट माइट पॉसिबल कि जब भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में कोई एक पार्ट में अगर मैं कुछ कोड में चेंजेस करता हूँ ना, उसका निगेटिव इम्पैक्ट ओके कोड के प्रोजेक्ट के कोई दूसरे पार्ट में हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरा मेरा सॉफ्टवेयर का वो स्पेसिफिक पूरा मॉड्यूल या पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग वापस रीटेस्ट करते हैं, जिसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, कि जो हम लोगों ने डिफेक्ट सॉल्व किया है कोड में चेंज करने के बाद उसने नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं किया ना कोड प्रोजेक्ट के कोई दूसरे पार्ट में, उसके लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है और अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसके हिसाब से आई होप कि आप इजीली ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया है उतना ही अगर चेक करोगे आपको इजीली पता चल जाएगा, मेंटेनेंस मेंटेन करना, राइट। हम लोग कस्टमर्स को अगर कुछ चेंजेस ऐड करने हैं सॉफ्टवेयर में तो वो चेंजेस प्रॉपरली हम लोग हेल्प करेंगे उसको ऐड करने के लिए। सो एज यू कैन सी टेस्टिंग द चेंजेस इन अ करंट सिस्टम और इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज्ड एनवायरनमेंट ऑन अ करंट सिस्टम। तो अगर आपने कुछ चेंजेस किए राइट, अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि अगर मैं कुछ चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ तो जैसे हम लोगों ने डिफेक्ट सॉल्व किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर हम लोगों ने वर्ड अभी डिस्कस किया राइट, एक को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन टेस्टिंग। तो अगर आपने कोई डिफेक्ट सॉल्व किया है तो हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस में वो भी चेक करेंगे ना, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे मेंटेनेंस वाले पार्ट में। ओके, सो अगर आपने कोई डिफेक्ट सॉल्व किया है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और कहीं पर वो सब। तो वंस द डिप्लॉयड अ सिस्टम, एक बार आपने कस्टमर के साइड पे अपना जो भी सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे दे दिया तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि सारे फंक्शंस फीचर्स प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आप देखोगे एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द टेस्ट लाइफ साइकिल पीरियड इज कॉल्ड मेंटेनेंस टेस्टिंग।
राइट. सो हम लोगों का जो एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली हम लोग क्या करते रहेंगे, टेस्टिंग करते रहेंगे. ओके सो उसको, और मेंटेनेंस टेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेबिलिटी टेस्टिंग विच इज डिफाइंड हाउ इजी इट इज टू मेंटेन द सिस्टम. सो सिस्टम मेंटेन करना और मेंटेनेंस टेस्टिंग, ये दो चीज अलग होता है. मेंटेनेबिलिटी मीन्स आपको कितना लॉ को आपका कॉस्ट जो है वो कितना लो जा रहा है, राइट. आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, आपको कोई स्पेशलाइज पर्सन को हायर करना नहीं पड़ता, बिकॉज जो डेवलपर्स है वो ऑटोमेटिकली अपने साइड से ही मेंटेनेंस का पूरा पार्ट ले रहे हैं. तो वो मेंटेनेबिलिटी क्या हो गया, लो हो गया. क्यों? बिकॉज मेंटेनेंस जो है डेवलपर साइड से मेंटेनेंस प्रॉपर आपको मिल रहा है. आपका कोई सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आपने डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेन किया, उनके साइड से आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है, कोई उनके साइड से इंजीनियर्स आके वो सॉल्व करके जा रहे हैं. सेम वे आपको कोई न्यू फीचर्स या फंक्शंस ऐड करने हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे. तो ये सब कहाँ पे आता है, मेंटेनेंस पार्ट में आता है. रिमेंबर, एक बार आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दिया कस्टमर्स को, उसके बाद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो कि वो जब भी फर्स्ट टाइम आपने उसको बना के दिया था वो टाइम पे जो सेम सॉफ्टवेयर अपना जो लेवल था उसका, जैसा वो आउटपुट दे रहा था या जो लेवल पे वो वर्क कर रहा था, वो सेम लेवल पे 6 मंथ्स के बाद भी चलना चाहिए. स्लो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फेलियर्स कम होने चाहिए, राइट. ये सब पार्ट वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ये सब आता है उसके अंदर. और वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मेंटेनेंस के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं टेस्टिंग चेंजेस कि अगर आपने कुछ जैसे कोई एक पार्ट में, याद है अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले रिग्रेशन टेस्टिंग देखा था, तो बस वही हम लोग चेक करते हैं कि आपने मेंटेनेंस के अंदर हम लोगों को ये मेनली चेक करना रहता है कि आपने कुछ न्यू फीचर अगर इंट्रोड्यूस किया है अपने प्रोजेक्ट में, उसने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट शुड नॉट क्रिएट ऑन अदर साइड, या वो फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली, आपने कुछ न्यू फंक्शन ऐड किया लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पुराने पीछे ओल्ड फंक्शंस जो चल रहे थे वो प्रॉपर नहीं चल रहे या उसके साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है. ये सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने जैसा नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार प्रॉपरली पढ़ लीजिए. और मेंटेनेंस टेस्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे ट्रिगरिंग फॉर मेंटेनेंस टेस्टिंग, तो कौन से ट्रिगर्स रहते हैं. नाउ मेंटेनेंस टेस्टिंग ट्रिगर्ड बाय, कभी कभी मेंटेनेंस टेस्टिंग पिक्चर में आता है. सबसे पहले मॉडिफिकेशन, राइट, आपने कुछ चेंजेस किए, या फिर आप अभी अपने सॉफ्टवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जा रहे हो, या आपने उसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप माइग्रेट कर रहे हो, राइट. ये सारे पॉइंट्स अभी पिक्चर में आते हैं, तभी आपको मेंटेनेंस टेस्टिंग ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है. सो मॉडिफिकेशन क्या क्या इंक्लूड होता है. मॉडिफिकेशन मीन्स आपको कुछ तो चेंजेस करने पड़े. अभी वो हो सकता है कि प्लान एनहांसमेंट हो सकता है, इमरजेंसी कोई एक फंक्शन बंद काम करना बंद कर दिया, तो आपको इमरजेंसी में कुछ तो चेंजेस करने पड़े, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ तो अपग्रेड हुए, डेटाबेस में कुछ तो चेंजेस हुए उसकी वजह से, या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एक पैचेस या लूपहोल्स या बैकडोर्स है जिसकी वजह से आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करने पड़े. देन माइग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, सो ऑपरेशनल सिस्टम से हम लोग उसको न्यू एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं. एंड उसके आगे रिटायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ डेटा माइग्रेशन और आर्काइविंग, राइट. सो अगर हिस्टोरिकल डेटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको आर्काइव, मतलब कोई जगह पे अलग से रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज का सिस्टम है, तो ये ईयर में या ये सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं करेंटली, उनका डेटाबेस मुझे ज़्यादा काम का है, इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग और मेंटेनिंग द डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास होके निकल गए, तो उनका डेटा हम लोग रखेंगे ज़रूर, लेकिन उसका डेटा हम लोग आर्काइव करके अलग से रख देंगे, उसको करंट डेटा के साथ मिक्स नहीं करेंगे. सो मॉडिफिकेशन दो टाइप के रहते हैं. एक होते हैं प्लान मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आया है उसके ऊपर स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. और दूसरे जो रहते हैं वो रहते हैं एडॉक, जहाँ पे आपको कुछ तो चेंजेस या रिस्क आपको लग रहा है अपने सॉफ्टवेयर में, या कोई प्रॉब्लम आ गया और उसको चेंज उसको हैंडल करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, कोई एडॉक मेजर्स ले रहे हो कोई डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए, इमीडिएट सॉल्यूशंस जो रहते हैं उसके लिए. नाउ विल स्टार्ट विद यूनिट 3. ओके और एल्स आई जस्ट क्रिएट आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. ओके सो यहाँ पे मेरा यूनिट 2 कंप्लीट हुआ है एंड वेरी सून टुडे ओनली आई अपलोड यूनिट 3 एज वेल. ओके सो सी यू इन यूनिट 3 लेक्चर. ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी.